हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चीपर ट्यूब चैनल। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्वाफ्रेश प्राइम और वर्लपूल मिनरेला को। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइस की। एक्वाफ्रेश प्राइम का प्राइस है 5,999 और वर्लपूल मिनरेला का प्राइस है 18,500। एक्वाफ्रेश प्राइम की वारंटी है 5 साल की और वर्लपूल मिनरेला की वारंटी है 1 साल की। एक्वाफ्रेश प्राइम में 2 साल की सर्विस बिल्कुल फ्री है और वर्लपूल मिनरेला में किसी भी तरह की कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। दोनों की ही इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्वाफ्रेश प्राइम में शुरू के 2 साल की सर्विस बिल्कुल फ्री है और उसके बाद का भी जो तीसरा, चौथा, पांचवा साल है उसमें भी एक्वाफ्रेश प्राइम आपको सर्विस 50% डिस्काउंट पर देगा। वर्लपूल मिनरेला में किसी भी तरह की कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। अगर आप वर्लपूल मिनरेला से कोई भी सर्विस लेंगे तो इसके लिए आपको पूरा चार्ज पे करना होगा। एक्वाफ्रेश प्राइम आपको एक्सचेंज ऑफर भी देता है, यानी कि अगर आपका पुराना आरओ वर्किंग कंडीशन में है तो आप उस आरओ को देकर एक्वाफ्रेश प्राइम में डिस्काउंट ले सकते हैं और वर्लपूल मिनरेला में कोई भी एक्सचेंज ऑफर नहीं है। दोनों में ही ऑटोमेटेड सर्विस है। कंपनी भी आपको कॉल कर सकती है सर्विस के लिए और आप भी कंपनी को कॉल कर सकते हैं सर्विस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी आपसे वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस के लिए एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करती है, जिसे कि AMC भी कहते हैं। एक्वाफ्रेश प्राइम आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चार्ज नहीं करती, जबकि वर्लपूल मिनरेला हर साल 3 से 5 हजार तक का मेंटेनेंस चार्ज लेती है। एक्वाफ्रेश प्राइम की टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है और वर्लपूल मिनरेला की टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है। एक्वाफ्रेश प्राइम 1 घंटे में 20 लीटर पानी प्यूरिफाई करता है और वर्लपूल मिनरेला 1 घंटे में 13 लीटर पानी प्यूरिफाई करता है। एक्वाफ्रेश प्राइम की पावर कंजम्पशन 24 वॉट्स है और वर्लपूल मिनरेला की पावर कंजम्पशन 36 वॉट्स है। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की ही सर्विस कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्वाफ्रेश प्राइम की सर्विस कॉस्ट 700 से 1200 है और वर्लपूल मिनरेला की सर्विस कॉस्ट 1650 से 2200 है। एक्वाफ्रेश प्राइम में ROUV UF टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और TDS कंट्रोलर भी लगा हुआ है और वर्लपूल मिनरेला में भी ROUV UF टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और TDS कंट्रोलर नहीं लगा हुआ। एक्वाफ्रेश प्राइम में अल्कलाइन है और जबकि वर्लपूल मिनरेला में अल्कलाइन नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं अल्कलाइन क्या है और ये आपकी हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिया है। एक्वाफ्रेश प्राइम टेबल पर रखा जा सकता है और वर्लपूल मिनरेला टेबल पर नहीं रखा जा सकता। दोनों को ही दीवार पर फिक्स भी कर सकते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिकल है। दोनों में ही प्री फिल्टर, सेगमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर का यूज किया गया है। अगर आप होलसेल रेट पर स्पेयर पार्ट्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर देखिएगा। एक्वाफ्रेश प्राइम का वेट 7.4 kg है और वर्लपूल मिनरेला का वेट 8.8 kg। एक्वाफ्रेश प्राइम की 8 प्यूरिफिकेशन स्टेजेस है और वर्लपूल मिनरेला की 6 स्टेजेस है। एक्वाफ्रेश प्राइम की 8 स्टेजेस हैं, ROUV, UF, अल्कलाइन, मिनरल, प्री फिल्टर, सेगमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। और वर्लपूल मिनरेला की 6 स्टेजेस हैं, ROUV, UF, प्री फिल्टर, सेगमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर। इसके बाद पानी आपके टैंक में आता है। आई होप अब आप चूज कर पाएंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपके लिए सही है। एंड आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चीपर टिप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।